खंडवा। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने आज मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की बॉर्डर का दौरा किया। इस बीच गजेंद्र सिंह पटेल सड़क पर बैठे हुए मजदूरों से मिले, उनकी समस्याओं को समझा, अधिकारियों से मजदूरों को लेकर बातचीत की और रास्ते में मिले मजदूरों को गाड़ियां रोककर उन्हें भिजवाया भी। गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि पिछले दो दिनों से सीमावर्ती क्षेत्रों पर जो स्थिति बन रही थी, इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी बातचीत की है और आज इसके सार्थक परिणाम भी सामने आए हैं कि मजदूरों को जाने दिया गया है। मेधा पाटकर के बारे में कहा कि यह वक्त धरने उपवास की जगह लॉकडाउन के पालन करने का समय है, प्रशासन और सरकार के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने बिजासन माता मंदिर और नांगलवाड़ी भिलटदेव मंदिर की संस्थाओं द्वारा लोगों और मजदूरों को कराए जा रहे भोजन को लेकर उनकी प्रशंसा भी की। पटेल का यह भी मानना है कि मजदूरों की संख्या ज्यादा होने और स्टाफ आदि कम होने से कुछ समस्याएं जरूर हुई है, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे विगत दो तीन दिन से यहाँ पर ज़्यादा संख्या में मजदूर होने के कारण कुछ अव्यवस्थाएँ भी हुई और राज्य सरकार से प्रशासन से बात भी करी। कल ही मेरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी से, हमारे चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह जी से, यहाँ जो मजदूर फंसे हैं जो महाराष्ट्र से जो यहाँ पर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश की बॉर्डर से जो उत्तर प्रदेश और बिहार और अन्य प्रदेशों के रहने वाले जो मजदूर हैं उनको छुड़वाने के लिए बातचीत की थी और उसका कहने के सार्थक पहल हुई है कि हमने रात से ही हमारे यहाँ के जो मजदूर उनको जाने की परमिशन भी अलॉट की है और उनको यथावत जाने दिया जा रहा है। मेघा दीदी को भी ऐसा कहना है कि अभी समय है लॉकडाउन का और पालन कराने का। पूरी सरकार, पूरा प्रशासन मजदूरों के साथ खड़ा है, उनके भोजन पानी रहने की और जाने की पूरी सुविधाएँ करा रहे हैं। ये जरूर है कि संख्यात्मक ज़्यादा बढ़ने से कुछ असुविधाएँ हो सकती है, परंतु किसी प्रकार की असुविधा ना हो, आज कोई आंदोलन करने का, कोई नकारात्मक करने का विषय नहीं है। इसलिए मेघा दीदी से मेरा आग्रह था कि वो सकारात्मक बातचीत करें, हम सकारात्मक करने के लिए तैयार हैं, व्यवस्थाएं होती जा रही, करते जा रहे हैं। काफ़ी लोग मजदूर न रुकते हुए भागने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उनको ज़्यादा कैसे रोक पाएंगे, क्योंकि हम स्टाफ भी लिमिटेड है, अपनी अपनी व्यवस्थाओं पर हैं। जो लोग पैदल जा रहे हैं पर उनके लिए व्यवस्थाएँ हम कर रहे हैं, छुड़वाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, खरगोन के लोगों को भी हमने छुड़वाने की व्यवस्था करी, रोड पर भी हम लोग जो रहे सामाजिक संस्थाएँ काम करी, जैसे बिजासन माता मंदिर समिति भोजन करा रही है, ऐसे भिलट सेवा समिति भी रोड पर चलने वाले लोग साथ भोजन करा रही। बड़वानी, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के मजदूर जो काम के लिए महाराष्ट्र और गुजरात गए थे, उनका लगातार पैदल और वाहन से लौटना जारी है। नेशनल हाईवे पर अब आप ऐसे मजदूरों की भीड़ देख सकते हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के आह्वान पर जगह जगह भोजन की व्यवस्था करने के साथ ही मेडिकल की व्यवस्था भी की जा रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष ओम सोनी ने सभी समाज सेवी संगठनों और स्व संगठनों से जिले से गुजरने वाले मुसाफिरों की चिंता करने के साथ इनके भोजन पानी की व्यवस्था करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ी बिजासन माता मंदिर ट्रस्ट, नागलवाड़ी भलट देव मंदिर ट्रस्ट सहित कई गांव में भाजपा के लोग इन मजदूरों के लिए भोजन पिकेट की व्यवस्था कर रहे हैं और हजारों पिकेट वितरण किए जा रहे हैं। आगे भी इस काम को निरंतर जारी रखा जाएगा। जनता पार्टी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने हम सबसे आह्वान किया है कि बड़वानी जिले से जो राहगीर और मुसाफिर हमारे इस सीमा से निकलकर जा रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, चाहे वो राजस्थान के हों या मध्य प्रदेश के किसी भी जिले के हों, उन सबको भोजन कराना, पानी पिलाना, उनकी मेडिकल फैसिलिटी की चिंता करना भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है। कोरोना की इस वैश्विक महामारी में हम सबका आह्वान है और हम सबका दायित्व भी है कि हम सब स्वयं मिलकर, सारे स्वयंसेवी संगठन, हमारे जिले से निकलने वाले मुसाफिर की